पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा में अब पराली जलाए जाने वालों की जानकारी देने पर हरियाणा सरकार 1,000 रुपए का नकद इनाम देगी। इसके अलावा जानकारी देने वाले का नाम सरकार गुप्त रखेगी। हरियाणा सरकार के मुताबिक इस साल पराली जलाने के मामले में कमी आई है। पंजाब के मानसा में किसान लगातार विरोध करते हुए पराली जला रहे हैं। सिर्फ मानसा में ही पिछले 72 घंटों की अगर बात की जाए तो इन 72 घंटों में 1,000 से ज्यादा पराली जलाने के मामले सामने आ चुके हैं। किसान अपने किसान संगठनों की गाड़ियों पर सवार होकर आते हैं और फिर जिस किसान का खेत होता है उस किसान के साथ मिलकर खेत में पराली को आग लगा देते हैं। इन किसान संगठनों के मुताबिक अगर सरकार उनको पराली का समाधान करने के लिए खरीदे जाने वाले ट्रैक्टर और दूसरे जरूरी औजारों के लिए सही सब्सिडी दे तो ये मांग किसानों की तरफ से उठाई जा रही है और ये विरोध स्वरूप किसान पराली जला रहे हैं। हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी जुड़ चुके हैं, ना सिर्फ पंजाब हरियाणा बल्कि दिल्ली से भी। दिल्ली से निखत अली इंडिया गेट से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनुराग ढांडा कैथल हरियाणा से हमारे साथ हैं। मोहित मल्होत्रा मानसा पंजाब से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक रावत फिरोजशाह कोटला दिल्ली से हमारे साथ हैं। सबसे पहले मोहित, आपके पास पराली जलाने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। मोहित, मजबूरी तो है ही किसानों की, लेकिन क्या ये विरोध स्वरूप भी है किसानों की तरफ से कि लगातार वो पराली जलाते हैं? हर साल उनकी यही मांग होती है कि या तो सरकार उनको मदद दे, पराली का समाधान दे, या फिर उनको सब्सिडी दे। देखिए, आप जब ग्राउंड जीरो पर आते हैं, ग्राउंड रियलिटी देखते हैं, तब ये बात समझ में आती है कि सिर्फ किसानों को कोसना ठीक नहीं है। किसान पराली जला रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये बात उनको भी पता है, लेकिन उनका दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर वो मैन्युअली यहाँ पर ये जो पराली खेत में पड़ी है, अगर इसको वो हाथों से मजदूर लगाकर खुद अपने साथ यहाँ पर लेबर लगाकर हटाने की कोशिश करते हैं तो उनको पैसा देना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। पैसा वो कहाँ से लेकर आएँ? फसल की आप उतनी कीमत देते नहीं हैं, पहला सवाल ये है। दूसरी बात ये है कि जो मशीनें लेने की बात की जा रही है उस पर पंजाब सरकार कहती है कि हम सब्सिडी देते हैं। जैसे रोटाविलर एक मशीन होती है, इसके अलावा हैप्पी सीडर एक मशीन है जो कि पराली के बंडल बनाकर उसको खेत से अलग कर सकती है, लेकिन वो सब्सिडी सिर्फ कागज़ों में देने की बात किसान कर रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि उनको पैसा जो है धान के ऊपर प्रति क्विंटल 200 रुपये प्रति क्विंटल मिलना चाहिए ताकि वो मैनुअली ही पराली हटा लें। तो फिलहाल पंजाब में अगर हम आपको दिखाएं तो मानसा में पराली जलाने के मामले लगातार जारी हैं। किसान संगठन जो हैं वो लगातार पराली जला रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार पर दबाव बनाएं और कम से कम उनको कुछ पैसा मिल सके ताकि वो ये पराली जलाने के जो मामले हैं उनको कम कर सकें। और वो विरोध स्वरूप पराली जला रहे हैं। उनका ये कहना है कि प्रदूषण हो रहा है, सेहत पर असर पड़ रहा है, लेकिन उनके और उनके परिवार की सेहत पर भी असर पड़ रहा है, लेकिन सरकार क्यों नहीं इस बारे में सोच रही? ये अपने आप में ये जो किसान नेता हैं वो सवाल उठा रहे हैं। आप ये बताइए, आप ये पराली लगातार जला रहे हैं, आपको लगता है सरकार को जो विरोध कर रहे हैं सरकार की आँख खुलेगी? इसलिए कर रहे हैं ये क्योंकि हमारे पास कोई आग लगाने के अलावा कोई सलूशन नहीं। सरकार हमें 200 रुपया क्विंटल ते बोनस या 700 रुपया प्रति एकड़ हमारे को दे ता जिहड़ी डुबी हुई किसानी है, कर्जे च मारी किसानी है, वह पराली का प्रबंध करूगी। सरकार सानू मशीना देवे, जो बंडल बनने वाली मशीन है वो सरकार पिंड पिंड पद्धर से सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटियां नू देवे तां जो असीं इहदा प्रबंध कर सकीए। अच्छा, सेहत आप लोगों की खराब नहीं होती क्या? पूरे देश में प्रदूषण फैल रहा है, दिल्ली को खास तौर पे अफेक्ट कर रहा है, तो आप लोगों की अपनी सेहत ठीक है? क्या निकाल रहे हैं? पारी कर रहे हैं जी, छक रहे हैं जी, दवाइयाँ ले रहे हैं? हाँ जी, दवाइयाँ ले रहे हैं जी। तू है ना, बहुत सानू भी तंगी है। तो फिर क्यों जला रहे हैं आप? शायद सानू सरदा नहीं, मंजूरी है इस गल। अच्छा, अब ये पराली जलाने के बाद जो खेत आप खाली हो जाएगा, दूसरी फसल कौन सी लगानी है? आप ये भी कह रहे हैं कि जल्दी है, हमें दूसरी फसल का वक्त आ गया, दूसरी फसल कौन सी लगानी है? दूसरी फसल हमने गेहूं लगानी है। अगर जे 20 दिन में गेहूं नहीं लगती तो हमारे जो बच्चे हैं उनका पेट अगले 6 महीने के लिए क्या उसको खिलाएंगे? हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। जे हम 20 दिनों में गेहूँ की फसल ना बीजी गई तो हम क्या करेंगे? हमारी मजबूरी है। तो किसान जो अपनी मजबूरी बता रहे हैं उसको भी सोचना और समझना होगा पंजाब सरकार को। हरियाणा सरकार थोड़ा हरकत में आई है, लेकिन पंजाब सरकार कब हरकत में आएगी? ये पूरे पंजाब की तस्वीरें हैं। इसी तरह से पटियाला अगर आप चले जाएं, संगरूर चले जाएं, बठिंडा के पास चले जाएं, तो ये इसी तरह से पराली जलाई जा रही है। हरियाणा के सिरसा में, फतेहाबाद में, वहाँ पर भी पराली जलाई जा रही है। यहाँ से हरियाणा नज़दीक है, राजस्थान की सीमा भी यहाँ से नज़दीक है, तो ये जो प्रदूषण हो रहा है
ये सब कुछ और हवा चल रही है। सबसे एक बड़ी बात ये है कि पंजाब में ये जो धुआं बन रहा है ये आगे जा रहा है क्योंकि हवा चल रही है। आसमान में दिखाना चाहूँगा, सूरज आपको दिखाई नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि आसमान में कोई बादल छाए हुए हैं, ये जनवरी का महीना हो कि जो बिल्कुल सर्दी की वजह से सूरज ना दिख रहा हो। आप देखिए ऊपर धुएं की परत है, धूप नीचे आ नहीं पा रही, ऐसा मौसम बना हुआ है कि जैसे यहाँ पे बारिश होने वाली है लेकिन दूर तक खेतों में आपको स्मॉग की एक परत दिखाई देगी। और सुबह के वक्त अगर आप किसी भी, मैं जब चंडीगढ़ से सुबह आया हूँ तो काफ़ी मुश्किल है, चंडीगढ़ से आप निकलेंगे तो पटियाला के पास पहुँचते ही इतना घना ये स्मॉग धुंध और कोहरे का रूप ले रहा है कि वहाँ पर गाड़ी चलाना भी काफ़ी खतरनाक है। तो अब किसान अगर अपनी समस्या बता रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो पंजाब सरकार क्या कर रही है, ये पंजाब सरकार को जवाब जरूर देना होगा। बिल्कुल, ये पंजाब सरकार को जवाब देना जरूर होगा क्योंकि दम वहां भी घुट रहा है, जो किसान के परिवार हैं परेशानी वहां पर भी है, लेकिन इस विरोध के पीछे मजबूरी बड़ी है। अनुराग ढांडा हरियाणा के कैथल से हमारे साथ हैं। अनुराग, यहां पर तो हरियाणा सरकार ने सख्त फैसला लिया कि उन लोगों के खिलाफ सख्ती से अब निपटा जाएगा जो कि पराली जला रहे हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ेगा वाकई? देखिए मुझे नहीं लगता है, पहले मुझे ये लग रहा था कि सरकार कहीं ना कहीं अनदेखी कर रही है, लापरवाह है, लेकिन जो हम ग्राउंड पर अब स्थिति देख रहे हैं वो बेहद शर्मनाक है। अगर हरियाणा सरकार ने ये अनाउंस किया है, जो अभी हमने खबर भी दिखाई कि 1000 रुपये इनाम दिया जाएगा अगर कोई सूचना देता है, तो पहला दावा हम कर देते हैं इस इनाम पर, और कोई नाम भी हम गुप्त नहीं रख रहे हैं, जगह गुप्त नहीं रख रहे हैं। ये देखिए थाना राजौंद के सामने, ठीक सामने हम इस वक्त खड़े हुए हैं, और मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि वो मेरे साथ आएं। बिल्कुल इस थाने के ठीक सामने 50 मीटर भी नहीं डिस्टेंस होगा और सामने पराली जल रही है, ये खेत पूरा जल रहा है। हम आपको वहां तक जा करके दिखाते हैं कि कितना डिस्टेंस है, बिल्कुल सामने से थाने से नजर आता है। और अगर आप ये कहते हैं कि ये पनिशेबल ऑफेंस है, इस पर कहीं ना कहीं सरकार ने रोक लगा दी है, तो ये एक हास्यास्पद स्थिति बन जाती है। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से आप कह सकते हैं अंधा कानून, जिसको हम कहते हैं, सुनते आए थे, वो यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि सामने पुलिस थाना है और सामने सामने पराली जलाई जा रही है। कोई कार्रवाई किसी तरीके की नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। हम लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, थाना सामने है, पुलिस बाहर आ जा रही है, वहां पर गार्ड खड़ा हुआ है गेट पर, सबको नजर आ रहा है, लेकिन कोई रोकने की कोशिश नहीं। तो काहे का पनिशेबल ऑफेंस है, किस तरीके का पनिशेबल ऑफेंस है? और सरकार अगर ये दावा करती है कि वो फाइन लगाते हैं, वो ऐसे इन चीजों को रिपोर्ट करते हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक आई वॉश है, वो सिर्फ कागजों पर तमाम योजनाएं नजर आती हैं। अभी इनाम अनाउंस हुआ है कि 1000 रुपये इनाम दिया जाएगा या जो सूचना देगा उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। हमको नहीं लगता है कि इसकी कोई जरूरत है, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल आमने सामने हो रहा है, बिल्कुल आंखों के सामने हो रहा है, दिखते हुए हो रहा है। और अगर सरकार को ये आग पराली जलते हुए इस तरीके से दिखाई नहीं देती है अपने पुलिस थाने के सामने, जहां से वो कानून का पालन करवाते हैं, तो फिर कोई भी स्थिति हो, कोई भी रिपोर्ट हो जाए, कोई जानकारी दे दे, वो सिर्फ एक आई वॉश है। और कहीं ना कहीं सरकार लापरवाही इस मायने में बरत रही है कि सरकार को ये समझ नहीं आ रहा है कि लोगों को सांस लेने तक में दिक्कत हो रही है। उनमें कहीं ना कहीं सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके अपने परिवार भी शामिल हैं, लेकिन उसके बावजूद नहीं समझ आता कि क्यों इस तरीके की लापरवाही है।